नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट रद्द कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया गया। ये फैसला दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड की आपसी सहमति से लिया गया। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए टीम इंडिया ने पहले दिन मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फैसले को मंजूरी दी गई। लेकिन इस मैच के रद्द होते ही भारतीय कोच रवि शास्त्री को सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुननी पड़ गई। दरअसल रवि शास्त्री ने सीरीज के बीच में बायो बबल का उल्लंघन करके एक निजी इवेंट में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए। इस इवेंट में भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल हुए थे। वहीं शास्त्री के पॉजिटिव होने के बाद और भी स्टाफ संक्रमित हुए, जिसके बाद वायरस ने ड्रेसिंग रूम में पैर पसार लिए। वहीं शास्त्री की एक गलती से भारत इतिहास दोहराने से चूक गया, क्योंकि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि भारतीय टीम के कारण इस मैच को रद्द किया गया, इसीलिए इंग्लैंड को विजेता घोषित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी, जो टीम इंडिया किसी भी हालत में नहीं चाहेगी, क्योंकि भारत के पास 14 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका आया। इसीलिए शास्त्री ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे और यूजर्स के निशाने पर है। पॉजिटिव सत्या नाम के यूजर ने लिखा, क्या आप इस बायो बबल की बात कर रहे, जिसे शास्त्री और कप्तान भी फॉलो नहीं कर रहे? जारवो देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। एमिनेंट सोशलिस्ट नाम के ट्विटर यूजर ने इसे क्राइम करार दिया और लिखा, अरेस्ट शास्त्री एंड कोहली फॉर दिस क्राइम। मारवाड़ी ने लिखा, कोहली और शास्त्री ने किताब विमोचन के लिए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और एक शानदार सीरीज जीत का सपना तोड़ दिया। अनूप नाम के यूजर ने लिखा, 5वां टेस्ट रद्द कर दिया गया है, रवि शास्त्री अब शांति से बैठकर किताब खत्म कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने ट्विटर पर लिखते हुए पूछा, ये बताओ शास्त्री का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? अब ऐसे ही लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं और यूजर्स शास्त्री को ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सीरीज का फैसला क्या होता है।